वेलकम टू तिवारी क्लासेज। सभी बच्चों का स्वागत है आपका अपना परिवार तिवारी क्लासेज में। तो सारे के सारे बच्चे एक बार लाइव जुड़ जाएंगे। चलिए सारे के सारे बच्चे एक बार लाइव जुड़ जाएंगे, बताएंगे कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए बिल्कुल, चलिए सभी बच्चे आ चुके हैं। चलिए सभी बच्चे हैं, गुड इवनिंग। चलिए सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। चलिए तो जो भी बच्चे हैं, ठीक है, जो हमारे खास करके जो KGMU के लिए हैं, ABVMU के लिए हैं, ठीक है, जो बच्चे हमारे BCEC के हैं, JCEC के हैं, PNST महाराष्ट्र छत्तीसगढ़, ठीक है, आपके उत्तराखंड हरियाणा जम्मू एंड कश्मीर महाराष्ट्र, सभी बच्चों के लिए क्लास है बिल्कुल। और जो आपका सिलेबस वो यही रहता है, यही बेस रहता है, 11th 12th ही आप लोग का बेस रहता है। आप कहीं का BSc नर्सिंग के एग्ज़ाम दीजिए, बस यही फ़र्क होता है ना, कहीं आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछी जाती है, कहीं नहीं पूछी जाती है, कहीं इंग्लिश पूछी जाती है, कहीं नहीं पूछी जाती है, कहीं आपका GK पूछी जाती है, कहीं नहीं पूछी जाती है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा। तो आज हम लोग करने वाले हैं जो आपका जो बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन है उसका पार्ट 3। ओके, तो जितने भी बच्चे हैं बिल्कुल जुड़ जाएंगे। आज आप लोग का बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन का लास्ट रहेगा, ठीक है। टोटल मैंने अभी तक ले 70-75 क्वेश्चन बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन के करा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद कहिएगा सर, जो आपका ह्यूमन एंड डिजीज है उसका लगभग वो 100 क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है ना। बिल्कुल चलिए, सभी बच्चे आ चुके हैं, स्टार्ट किया जाए। एक बार बोलिए, क्लास को स्टार्ट किया जाए, आवाज क्लियर है, बताएंगे सारे बच्चे, क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए आयुषी तिवारी सबिता, बिल्कुल सारे बच्चे हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए। यस सर, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, कहिएगा सर, मेरा जो आपका 11th का, ठीक है, क्या हो जाएगा, कहिएगा सर, जो हमारा बायोलॉजिकल जो हमारे क्लासिफिकेशन है, ठीक है, उसका आपका पार्ट 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पार्ट 3। जो नए बच्चे हैं वो जाके आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आइए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। विच ऑर्गेनिज्म अमॉन्ग द फ्लोइंग रिप्रोड्यूस। देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है बुआ जीव। क्या होता है, कहिएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा आपका बिल्कुल, इसका मतलब होता है जीव, ऑर्गेनिज्म। ओके, और इसका मतलब होता है बुआ, वही आपका हो गया रिप्रोड्यूस या रिप्रोडक्शन, कहिएगा सर, प्रजनन। क्या होता है, प्रजनन, मैंने बता रखा है, ठीक है। तो देखिए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो जीव है, कौन सी आपके ऑर्गेनिज्म है बुआ, जो हमारे रिप्रोडक्शन करती है। तो बताना है कि क्या जो हमारे बाज मानव हैं, जो हमारे ह्यूमन कपल्स हैं, ठीक है ना, वो क्या आपका रिप्रोडक्शन करते हैं। कहिएगा सर, जो ममल्स हैं वो क्या आपका रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद बुआ देखिए, ये जो मानव है ये आपका क्या कर रिप्रोडक्शन करते हैं, या श्रमिक मधुमक्खियाँ वो क्या आपकी अब रिप्रोडक्शन करती है, बताइए। देखिए सबसे पहले देखेंगे, अगर आप बायोलॉजी बुआ पढ़ते हैं, ठीक है, बायोलॉजी, तो या तो आप प्लांट किंगडम में जाइए या आप एनिमल किंगडम में जाइए, आप बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में जाइए,
जहाँ जहाँ हुआ आप हर चीज़ का जो भी चीज़ का क्लासिफिकेशन किया गया है, यानी मान लीजिए इस पेन को क्लासिफिकेशन करना है ना, इस बोर्ड को क्लासिफिकेशन करना है, एक पेड़ को, जानवर को क्लासिफिकेशन करना, पौधों को क्लासिफिकेशन करना, तो जो इसके जो हमारे जो भी साइंटिस्ट थे, इसके क्या कोई आकार पे किया, कोई बुआ इसको रिप्रोडक्शन पे किया, कोई श्वसन पे किया, बात समझ रहा है ना। तो जैसे जैसे अपडेट होता गया, जैसे जैसे इसमें जो हमारा रिप्रोडक्ट सॉरी जो क्लासिफिकेशन है उसका बुआ प्रकार बढ़ता गया। तो देखिए यहाँ पे मैंने बता रखा है कि जो बुआ हमारा बाज मानव है वो कभी बुआ रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, ठीक है ना। आपने आसपास में भी देखा होगा बुआ जो खच्चर इसको कहा जाता है, खच्चर जो है इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, वो कभी भी बुआ आपके रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो हमारे अगर कहिएगा सर जो हमारे यहाँ पे श्रामिक मधुमक्खियाँ है ये भी आपका रिप्रोडक्शन नहीं करती है, तो कल आके पूछ दे क्वेश्चन कि बताइए जो हमारे बुआ श्रामिक मधुमक्खियाँ है क्या वो रिप्रोडक्शन करती है, तो आप क्या बताइएगा। एक कुछ भी मैं पूछ सकता है, या तो स्टेटमेंट दे देगा, किसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बस इतना जरूर याद रखना है कि सर जो बाज मानव है वो कभी रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, प्रजनन नहीं करेगा, अपने जैसे संतति को पैदा नहीं कर सकता है, बात समझ रहे हैं ना। अपने जैसे सेम अपने जैसे क्या कर सकता है बुआ, जो संतति है उसको क्या कर सकता है, पैदा रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो अब आपका खच्चर भी हो गया और यहाँ पे श्रामिक मधुमक्खियाँ भी हो गई, तो तीनों के तीनों बुआ कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्योंकि जो मानव युगल है वो बिल्कुल बुआ क्या कहिएगा, कहिएगा से जो हमारा रिप्रोडक्शन है ठीक है वो बिल्कुल कर सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए बिल्कुल। कौन लाइक किया, फर्स्ट लाइक माई साइड दिस वीडियो सर जी, हुमा, चलो हुमा बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं बता देना, बिल्कुल। तो चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए और यहाँ पे बताना है, यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा, जो बउआ हमारे जैसे मान लीजिए कोई एनिमल हो गया, क्या हो गया, कहिएगा कोई एनिमल हो गया, कहिएगा सर कोई ह्यूमन हो गया, ठीक है, ईटीसी, ठीक है। बहुत सारे चीज ऐसे हैं जो इसका अगर कहिएगा, अगर ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, वो तो हम आपके रिप्रोडक्शन के बारे में बात किए, अगर ग्रोथ के बारे में बात करेंगे ठीक है, एक आपका ट्री हो गया ठीक है, तो इसका जो है ना बुआ, इसका लिमिटेड आपका क्या है, ग्रोथ है, ठीक है, इसका भी क्या है, लिमिटेड ग्रोथ है, ठीक है। तो सारे के सारे लिमिटेड ग्रोथ है, लेकिन ये जानकारी आपको होना चाहिए, जो ट्री है जो पेड़ है ठीक है, वो बउआ आपके अंतिम लास्ट तक, यानी कहिएगा सर लाइफ टाइम जो होता है ना, लाइफ टाइम होता है इनमें ग्रोथ होता रहता है, क्या होता है, लाइफ टाइम इसमें ग्रोथ होता है। तो ये भी चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो बउआ आपके ट्री है, जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, वो आपके जीवन भर आपके उसमें ग्रोथ होते हुए दिखाई देगा, जब तक वो बउआ पौधा जो उसका जो लास्ट पोजीशन नहीं आ जाए तब तक वो ग्रोथ करता रहेगा। लेकिन जो मानव है उसमें देखिएगा 20 साल ग्रोथ होगा, 25 साल ग्रोथ होगा, जानवर है उसमें 8 साल, 10 साल, 15 साल ग्रोथ होगा, मैंने इस समय सारे के सारे लिमिट लगा हुआ है, लेकिन पेड़ में कोई लिमिट नहीं है। तो ये भी चीज़ आप 100% याद रखिएगा, ठीक है। आइए इसका बताना है, टियोडाइनर खोज किया था, बताइए, बैक्टीरियोफेज के किया था कि इन्फेक्शन प्रोटीन का किया था, या फ्री इन्फेक्शन डीएनए के किया था ठीक है, या आपके कहिएगा फ्री इन्फेक्शन आरएनए के खोज किया था, बिल्कुल बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर सभी बच्चे अलग अलग दे रहे हैं, इन्फेक्शन प्रोटीन सर जी, इन्फेक्शन प्रोटीन बी बी इन्फेक्शन प्रोटीन बता रहे हैं सारे के सारे बच्चे। और कोई बच्चे बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इन्फेक्शन प्रोटीन सर जी, सारे बच्चे बता रहे हैं इन्फेक्शन प्रोटीन, चलिए इसका आंसर और कोई बच्चे दे सकते हैं तो बताइए, इसका आंसर कोई और बच्चे दे सकते हैं, चलिए बिल्कुल। ज्योति गुप्ता डी, बी अभी भी ए दे रहे हैं ना, और कोई बच्चा दे सकता है बताइए, आनंद यादव डी बता रहे हैं बुआ, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर बुआ बिल्कुल ये क्वेश्चन ठीक है, इस क्वेश्चन इन्फेक्शन प्रोटीन, देखिए इस क्वेश्चन बउआ आपके लिए WH रहेगा, और आपको क्या करना है, प्यार से कमेंट में आपको टाइप कर देना है, ठीक है ना, बिल्कुल। एक क्वेश्चन मैं डेली देता हूँ बउआ आप लोग के लिए। आइए क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन बताना है कि बताना है कौन सा ग्रुप है, कौन सा समूह है ठीक है ना, जो हमारा मैक्सिमम न्यूट्रिशन जो क्या करता है, कहिएगा सर हमारा डाइवर्सिटी, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बता कौन सा समूह अधिक पोषण जो विविधता रखता है, कहिएगा सर जो हमारा मोनेरा होता है,
प्लांटी होता है, फंगी होता है और एनिमेलिया होता है। बताइए कौन सा ग्रुप के बारे में बात किया गया। याद रखिएगा ग्रुप के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है ना, आपको ग्रुप बताना है। बिल्कुल चलिए ग्रुप बताइए इसमें से, इसका बुआ ग्रुप बताइएगा सारे बच्चे, ठीक है ना, कि इसमें कौन सा ऐसा ग्रुप है, कौन ऐसा आपका ग्रुप हो जाएगा जो हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पर देखिए, ठीक है, अधिकतम जो पोषण होता है ना बिल्कुल उसको रखता है। बताइए इसका आंसर। चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए सभी बच्चे जो वो आंसर दिए हैं इसमें बता रहे हैं कि कौन सा ग्रुप है, क्या वो मोनेरा का ग्रुप है जो क्या करता है, जो हमारा न्यूट्रिशन होता है बिल्कुल उसको अधिक विविधता में रखता है, या प्लांटी होता है, या फंगी होता है, या एनिमेलिया होता है, ठीक है। जो भी बच्चे इसका आंसर अलग अलग दे रहे हैं, लेकिन बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा बुआ, कहिएगा सर इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सारे बच्चे सी दे रहे हैं, कोई डी दे रहे हैं। देखिए मैक्सिमम अगर न्यूट्रिशन के बारे में बात करें, ठीक है ना, तो आपके देखिएगा जो हमारे मोनेरा ग्रुप है ना बिल्कुल उसमें देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा कहिएगा सर, मोनेरा ग्रुप मिलेगा, ठीक है ना, जो मोनेरा ग्रुप है बिल्कुल, ठीक है। जो भी बच्चे इसका आंसर क्या दे रहे हैं, मोनेरा, सारे बच्चे सी दे रहे हैं, ठीक है ना, ए पे इसका ए पे यहाँ पे कोई किसी बच्चों का आंसर नहीं है, ठीक है ना, मोनेरा ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा मोनेरा ग्रुप, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आइए इसमें इसका सारे बच्चे का क्वेश्चन रॉन्ग था, आइए क्वेश्चन क्या कर रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अब्सेंट इन, क्या बताना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अब्सेंट इन। तो कहिएगा सर न्यूक्लियर का मतलब क्या हो गया, कहिएगा सर परमाणु हो जाएगा, मेम्ब्रेन मीन्स झिल्ली हो जाएगा, अब्सेंट का मतलब है अनुपस्थिति है, ठीक है, प्रेजेंट नहीं पूछ रहा है, अब्सेंट पूछ रहा है यानी उसमें नहीं है, परमाणु झिल्ली अनुपस्थित होता है। बताइए किसमें होता है सारे के सारे बच्चे। चलिए परमाणु झिल्ली किसमें आपका अब्सेंट देखने के लिए मिलेगा, परमाणु झिल्ली बताइए, परमाणु बुआ जो झिल्ली होता है जिसको आप क्या कह सकते हैं, कहिएगा सर जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, बताइए। चलिए बिल्कुल सारे बच्चे का बिल्कुल आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना, सारे बच्चे का बिल्कुल आंसर आ रहे हैं बिल्कुल। चलिए देखिए जो हमारा वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहा है किसमें आपका अनुपस्थिति है, क्या मेरा पेंसिलियम में हो जाएगा, वोल्वेक्स में हो जाएगा, नॉस्टॉक में हो जाएगा, तो आप लोग का क्या आंसर होना चाहिए बताइए। बिल्कुल चलिए तो सभी बच्चे का आंसर आ चुके हैं बुआ, ठीक है, ये बच्चे जो बोल रहे हैं ना बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो जो भी बुआ इसका आंसर क्या दे रहे हैं एकदम प्यार से कि जो हमारे परमाणु झिल्ली होते हैं सर वो कहाँ ऑब्सेंट होंगे बुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बात किया जाए तो मेरे कहाँ ऑब्सेंट रहते हैं, वॉल्वेक्स में होते हैं, नॉसस्टॉक में होते हैं, पेंसिलियम में होते हैं, या इसमें होते हैं, तो जो भी बच्चे इसका आंसर एकदम बी दिए हैं ना बिल्कुल बी, बी इज द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यहीं पे आपके बुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको अब्सेंट मिलेगा, यानी परमाणु झिल्ली बुआ का मिलेंगे बिल्कुल, अब बिल्कुल क्या हो जाएगा, नहीं बुआ बी हो जाएगा, ठीक है ना, बी होगा बी बी, ठीक है ना, बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, नो स्टॉक जो हो जाएगा इसमें आपको जो हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये आपके यहाँ पे अब्सेंट रहते हैं, ठीक है। चलिए इतना बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन के अगर आप लोग आंसर नहीं दे पाइएगा तो फिर दिक्कत वाली बात है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे बताना है व्हाट इज द पर्पस ऑफ टैक्सोनॉमी, क्या बताना है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी कहिएगा सर देखिए टैक्सोनॉमी का मतलब क्या हो गया, कहिएगा सर यहाँ पे वर्ग के बात बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है ना, जो हमारे वर्ग होते हैं, ठीक है, उसके बाद पर्पस का मतलब होता है किसी चीज का उद्देश्य, ठीक है, जैसे आप किस पर्पस से पढ़ाई कर रहे हैं तो बिल्कुल होगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, है ना, पर्पस है आपके लिए वही चीज है, ठीक है, उद्देश्य है किसी ना किसी चीज के लिए, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है बताना है कि सर अगर देखेंगे एक्सप्लेन द
देखिए यहाँ पे कह रहा है ना, यहाँ पे यही कह रहा है कि जो अगर हम एक्सप्लेन करें, जैसे जीवन के उत्पत्ति समझाइए, समझे, या अज्ञात जो वो हमारे स्पेसीज है, यानी जो हमारे जीवन के, देखिएगा जो प्रजातियाँ की पहचान है, कहिएगा सर एक दिया हुआ है यहाँ पे, जो हमारा एवोल्यूशन होता है, विकास के इतिहास का खोज करना, ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, तो कहिएगा सर जो हमारे औषधि प्लांट है उसको आइडेंटिफाई करना, तो बताइए इसका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, सारे बच्चे लगे रहे एकदम, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, बताएंगे अभी इस मंथ क्वेश्चन आने दीजिए, ठीक है ना। चलिए बताना इसका आंसर, सारे के सारे जो भी बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आप लोग आंसर क्या रह दे रहे हैं बुआ बताइए। तो चलिए सभी बच्चे अभी भी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल। देखिए अगर हम बात करें ना क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेक्सोनॉमी, देखिए एक होता है आपका टेक्सोनॉमिकल, एक आपका होता है टेक्सा, एक होता है आपका टेक्सोनॉमी, ठीक है ना, बिल्कुल। आप सभी बच्चों को चीज़ को पता है और पता भी होना चाहिए, बिल्कुल। चलिए हाँ ठीक है, तो जो भी बच्चे इसका आंसर क्या दे रहे हैं बुआ, क्या होता है कहिएगा सर, क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, सारे बच्चे के इसका आंसर आ चुके हैं और हम इसका आंसर बता दें, इसका आंसर क्या होगा, जो भी बच्चे इसका बी आंसर बिल्कुल दिए हैं, ठीक है ना, यानी जो हमारा अगर कहिएगा जो हमारे अननो स्पेसीज है, अननो का मतलब होता है वो अज्ञात, स्पेसीज का मतलब क्या हो जाएगा कहिएगा सर, जो हमारे क्या होते हैं, जो भी हम प्रजातियां होते हैं, ठीक है ना, तो जो भी हमारे अज्ञात प्रजातीय है उसका पहचान, ठीक है, तो कहिएगा सर इसका बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अज्ञात प्रजातियों का पहचान जो होता है ना, ठीक है, ये हमारे आपका क्या होता है, पर्पस ऑफ टेक्सोनॉमी होता है, क्या होता है, पर्पस ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है ना। बर्गकी का बुआ आपका उद्देश्य क्या होता है कि जो अननो स्पेसीज है उसका बुआ आइडेंटिफिकेशन किया जाए, समझ गए ना, यानी उसकी पहचान किया जाए। जो भी बच्चे इसका बी आंसर दिए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आइए क्लास 3 है बुआ, समझे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बुआ ये लास्ट क्लास है, कल बुआ आने वाला है, न्यू चैप्टर बता देंगे लास्ट क्लास में कौन सा, आप उसको फिर से पढ़ के आइएगा, जो बच्चे एप्लीकेशन के होंगे, ठीक है, पढ़ाई हो चुके हैं जो भी, उसको बता देंगे कि आपको क्या पढ़ के आना है, वही क्वेश्चन आपको फिर कल का एमसीक्यू होगा। चलिए यहाँ पे देखना है कि जो हमारे इन विच फ्रॉम फंगी स्टोर्स फूड मटेरियल, देखिए यहाँ पे इसको छोड़िए, इसको यहाँ से कोई मतलब नहीं है, देखिए जो फंगी होती है ना, फंगी कहिएगा सर, फंगी का मतलब होता है सर कवक, क्या होता है, फंगी का मतलब हुआ हो जाएगा कवक, स्टोर का मतलब क्या हो जाएगा कहिएगा सर, संग्रहित करना, जैसे मान लीजिए आप सुने होंगे, चाहे आपके घर में भी होगा, किसी चीज़ का स्टोर रूम होता है, ठीक है ना, आप वहाँ पे कोई चीज़ को क्या करते हैं, एकत्रित करके रखते हैं, तो ये आपका स्टोर होता है, स्टोर हो गया। फूड का मतलब होता है बउआ भोजन, और मटेरियल का मतलब क्या हो जाएगा कहिएगा सर, सामग्री, ठीक है ना, कोई भी बउआ फूड मटेरियल है आप उसको संग्रहित करके रखते हैं, है ना, जैसे मैं आपका किचन उचन हो गया, इसी तरह क्वेश्चन बढ़िया है, समझिए कि इन विच फ्रॉम फंगी स्टोर फूड मटेरियल, यानी जो हमारे कवक जो होते हैं, कवक वो अपने फूड मटेरियल यानी खाद्य सामग्री को किस रूप में स्टोर करते हैं, संग्रहित करते हैं, कहिएगा सर लिपिड के रूप में, स्टार्च के रूप में, ठीक है, वाइल के रूप में, और कहिएगा सर प्रोटीन के रूप में, बताइए। चलिए इसका भी आंसर बुआ सारे के सारे बच्चे बिल्कुल दीजिए, ठीक है ना, बी सी बुआ नहीं मारिए, समझ गए ना क्या करना है, कहिएगा सर बी सी नहीं, एकदम एक्यूरेट सोच के बताइए, ऐसा आंसर दीजिए कि मान लीजिए कि बुआ आपके एग्जाम में ही पूछा जा रहा है, और इसको एकदम हम जो दे करेक्ट करेक्ट आंसर देने के प्रयास करें, बताइए। बिल्कुल सभी बच्चों का आंसर आ चुके हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सभी बच्चे के वो आंसर आ चुके हैं, अच्छी बात है, और सारे बच्चे आंसर दीजिए, ठीक है ना, देखिए गलत सही गलत जगह पे है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, गलत सही बुआ जो भी चीज़ है बिल्कुल है, लेकिन आपको बुआ आंसर तो देना ही चाहिए, समझ गए, उससे क्या होता है कहिएगा सर कुछ ना कुछ आपको जानकारी बिल्कुल मिलती रहेगी। चलिए तो जो भी बच्चे इसका आंसर दिए हैं कि जो हमारे फंगी है, कहिएगा सर जो हमारे कवक है वो अपनी फूड को क्या कहाँ स्टोर करता है,
जो भी बच्चे इसका आंसर क्या दिए हैं, बिल्कुल नहीं गलत हो जाएगा बुआ, ठीक है ना, इसका सी एकदम आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कहिएगा सर, इसका लिपिड में नहीं करता, स्टार्च में भी नहीं करता, प्रोटीन में भी नहीं करता है, एकदम जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, बिल्कुल आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा कहिएगा सर, सी इज द राइट आंसर। सर ए और बी में कन्फ्यूज है, बट माई ऑप्शन इज ए, संदीप प्रजापति। कोई बात नहीं बुआ, आंसर दिया कीजिए, ठीक है ना, कंफ्यूज है, धीरे धीरे रेगुलर रहिए, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको, बताना है यहाँ पे आर्क बैक्टीरिया से क्वेश्चन पूछा गया। क्या मैंने बता रखा बुआ, ठीक है, एक आर्क बैक्टीरिया होती है, एक यू बैक्टीरिया होती है, ठीक है ना। मैंने बुआ बोला है कि जितना बार क्वेश्चन में आएंगे ना, अभी आप लोग थ्योरी भी पढ़ाएंगे आपके यूट्यूब पे, घबराने की जरूरत नहीं है, पहले कुछ दिन एमसीक्यू कीजिए, फिर आपको पूरे थ्योरी पढ़ाएंगे बहुत अच्छे तरीका से, पूरे डायग्राम के साथ बताएंगे पूरा पीपीटी पे। तो पहले एमसीक्यू कीजिए कुछ दिन, उसके बाद देखा जाएगा। देखिए मैंने बता रखा है कि आर्क बैक्टीरिया होता है और एक आपका क्या होता है कहिएगा सर, आपका एक यू बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना। मैंने बताया ना, ये आपका वन नंबर हो गया, ये आपका दो नंबर हो गया। तो मैंने बताया है कि जो आर्क बैक्टीरिया होता है ना, ये आपके लमसम कई प्रकार के होता है कहिएगा सर, तीन प्रकार के होता है। तो आप ही कॉमेंट कर दीजिए बुआ, आर्क बैक्टीरिया कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना, और सारे बच्चे का कॉमेंट आना चाहिए, देख के नहीं अपना से बताइए, बिल्कुल किन किन बच्चों को याद है, ठीक है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ आर्क बैक्टीरिया बताइए, बिल्कुल इसका सारे बच्चे कमेंट कर दीजिए, आर्क बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं बताइए सारे बच्चे, बिल्कुल। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, घबराना नहीं है, इसका आंसर बता दीजिए फटाफट, इसका क्या हो जाएगा, आर्क बैक्टीरिया बताइए कितने टाइप का होता है। मैंने वो चार बार अभी तक बता चुके हैं, कितना बार बताए हैं कहिएगा सर, चार बार बता चुके हैं, बताइए इसका आंसर, थ्री टाइप होता है, शिवानी शर्मा। चलिए उसके बाद बताना है बुआ और कौन, आकांक्षा सिंह बी, चलिए इसका बताइए, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे आप लोग को मैंने कमेंट किया था इसका नाम बताने के लिए, एक आपका बुआ होता है हेलोफिल्स होता है, एक आपका क्या होता है थर्मो एसिडोफिल्स होता है, और एक आपका क्या होता है तो बताइए, एक होता है बुआ मेथनोजेनस। ये कहाँ रहता है कहिएगा सर, ये हमारे जहाँ पे ज़्यादा लवणीय जो होता है ना, लवणीय होता है, जैसे समुद्र हो गया, झरना हो गई, वहाँ पे रहता है। ये बैक्टीरिया है, क्या है कहिएगा सर, बैक्टीरिया है। और ये कहाँ रहता है, जहाँ ज़्यादा तापमान होता है। ये कहाँ रहता है बुआ, गाय और भैंस के बुआ आपके आंत में मिलेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है आर्क बैक्टीरिया का पुराना, ठीक है ना, इसको बोला जाता है पुराना वाला जो बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया का बोला जाता है बुआ नया वाला, ठीक है ना। तो ये आपके जो आर्क बैक्टीरिया है ना, ये आपके तीन ही टाइप के होते हैं, और इसके बारे में विशेष नहीं पढ़ना चाहता, पढ़ना नहीं है सारे बच्चों को, बस इतना ही ध्यान रखना आर्क बैक्टीरिया के बारे में। और यू बैक्टीरिया है ना, इसमें बुआ सारे के सारे आपको आते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, और फिर आगे बढ़िएगा तो क्या जाएगा कहिएगा सर, फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस। तो इसका वो जैसे आगे जाइएगा अलग अलग इसका प्रकार आता रहेगा। तो इसी को बताना है कि ये कॉमन, देखिए इसके कैरेक्टर के बारे में पूछ रहा है, आपको बताना है आर्क बैक्टीरिया के बारे में बताइए, एक सामान्य लक्षण क्या होता है, क्या उसका स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका जो होती है, कोशिका झिल्ली की संरचना होती है, या कोशिका भित्ति की संरचना होती है, या फैटी एसिड जो हमारे होते हैं वो होते हैं, ये आपका डी हो जाएगा। चलिए तो चीज को हमेशा याद रखिएगा। चलिए हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात, इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर कौन बच्चा दे रहा है बुआ, इसका आंसर सारे के सारे बच्चे देंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सारे बच्चे अलग अलग टाइप के बिल्कुल बिल्कुल कमेंट किए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्क बैक्टीरिया का एक समान लक्षण है कि कोशिका झिल्ली की संरचना उसका होती है, या कोशिका भित्ति की संरचना होती है, बताइए सारे के सारे बच्चे इसका आंसर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चे का एकदम आंसर आ रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए इसका आंसर दीजिए सारे के सारे बच्चे, सभी बच्चे आंसर दीजिए, सभी बच्चे, ठीक है ना, कहिएगा सर सभी, एक भी बच्चे बाकी नहीं रहना चाहिए, इसका सभी बच्चे आंसर दीजिए तो वो ठीक लगेगा, है ना। तेजी में थोड़ा सा फास्ट कीजिए ताकि हम फास्ट चलें, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल आ चुके हैं, ठीक है ना,
बिल्कुल आ चुके हैं। देखिए कहने का मतलब है सारे बच्चे को, जो भी बच्चे इसका आंसर दिए हैं, तो जो भी बच्चे इसका आंसर दिए हैं बुआ, ठीक है ना, जो आर्क बैक्टीरिया के बारे में एक कॉमन आपको लक्षण बताना था, तो क्या हो जाएगा कहिएगा सर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सारे बच्चे बी दे रहे हैं, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, सारे बच्चे लगे हुए एकदम बी इज द करेक्ट आंसर में लगे हुए हैं, ठीक है ना। बताइए क्या होता है आपका, कोशिका झिल्ली की संरचना होती है, बताइए इसमें आर्क बैक्टीरिया में क्या होती है, कहिएगा सर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, बताइए सारे के सारे बच्चे, सबका आंसर यही आ रहा है, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल सबका यही आंसर आ रहा है कि जो वो हमारा आर्क बैक्टीरिया होता है उसका एक समान लक्षण बताना है, तो कोशिका भित्ति की संरचना होती है, बताइए कि और कहीं वो गलत हो रहा है इसका। बताइए, चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए सभी बच्चे का आंसर आ चुके हैं, बिल्कुल ठीक है ना, और इसका आंसर जो भी बच्चे दिए हैं, क्या दिए हैं, सभी बच्चे बी आंसर दे रहे हैं चलिए बहुत अच्छी बात है, आइए चलते हैं आगे। देखिए अगर हम इसके बारे में बात करेंगे ना, ठीक है, तो इसका जो भी बच्चे कोशिका भित्ति के आंसर दे रहे हैं ना, कोशिका भित्ति की संरचना होती है, बिल्कुल क्या आंसर दे रहा है कहिएगा सर, इसका जो भी बच्चे आंसर दे रहा है कि कोशिका जो भित्ति होती है बुआ, ठीक है ना, कोशिका भित्ति की संरचना होती है, तो वो कहीं से कहीं से कहीं थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, बताइए। चलिए आइए, तो सारे बच्चे का आंसर यही आया है कि कोशिका भित्ति के, ठीक है ना, तो इसका क्वेश्चन जो भी बच्चे बी आंसर दे रहे हैं ना, बिल्कुल 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 बी बी बी, सभी बच्चे इसका बी दे रहे हैं कि इसका जो है स्ट्रक्चर ऑफ क्या होता है, सेल वाल होता है ना, सारे बच्चे का यही कहना है स्ट्रक्चर ऑफ सेल वाल होता है, चलिए बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या कह रहे अक्षय कुमार, अक्षय कुमार कह रहे हैं कि सर आप कंफ्यूज में डाल देते हैं बुआ, कंफ्यूज में क्यों डालेंगे, आइए चलिए यहाँ पे आइए, इस क्वेश्चन को जवाब दीजिए, जैसे आप केबीसी खेलते हैं ना, तो केबीसी में क्या होता है, एकदम करेक्ट ए है, एकदम 100% ए है, बताइए, तो बेचारा आंसर देने वाला भी सोचता है कि लग रहा है ना कि ए नहीं है, है ना। चलिए बताना है, अनदर नेम ऑफ साइनोबैक्टीरिया, यानी साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम बताना है, कहिएगा सर गोल्डन एल्गी, प्रोटिस्टा, उसके बाद कहिएगा सर ब्लू ग्रीन एल्गी, और ये चीज हम पढ़ाए हुए हैं, तो इसका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, इसका आंसर बिल्कुल सभी बच्चे सही आंसर देंगे, ठीक है ना, हमको लगता है ना कि 99% बच्चे इसका, एक भी बच्चा कोई गलती नहीं करेगा। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है, और क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इस क्वेश्चन को एकदम भी आई है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, अनदर नेम ऑफ साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, बताइए साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, ठीक है, तो कहिएगा सर बिल्कुल ये हो जाएगा, बताए थे क्या हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया का एक बुआ अलग से नाम होता है जिसे नीले हरित शैवाल कहा जाता है, ठीक है ना, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, ये भी बात मैंने बुआ आपको 50 बार बताया है, ठीक है, एकदम आपको याद होना चाहिए, तो जो साइनोबैक्टीरिया होता है इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा कहिएगा सर, इसका नाम हो जाएगा ब्लू ग्रीन, और क्या कहिएगा, कहिएगा सर एल्गी, क्या हो जाएगा, एल्गी हो जाएगा, तो याद रखेंगे, ठीक है ना, ब्लू साइनोबैक्टीरिया क्या कहा जाता है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से किसको जाना जाता है, साइनोबैक्टीरिया को, बताइए। अब यहाँ पे आइए, ये क्वेश्चन बताइए, पैरामीशियम है, बताइए क्या है पैरामीशियम, एक बहुआ बैक्टीरिया होता है, जीवाणु कहिएगा सर, एक प्रोटोजोआ आता है, एक वायरस आता है, बताइए क्या होता है पैरामीशियम, क्या है बताइए, बिल्कुल हाँ सही था, सभी बच्चे का एकदम करेक्ट आंसर है, और सभी बच्चों को बता देना है बुआ पैरामीशियम क्या होता है इसमें से, चलिए इसका आंसर दीजिए, बिल्कुल चलिए इसका आंसर दीजिए, पैरामीशियम बताना है बुआ क्या होता है,
क्या होता बताइए। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या आप लोग आंसर दिए हैं तो कहिएगा सर। जो हमने आंसर दिए हैं वो क्या दिए हैं कहिएगा सर। एकदम बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो पैरामैग्नीशियम क्या हो जाएगा, सभी बच्चे जो बता रहे हैं बिल्कुल एकदम करेक्ट बता रहे हैं बुआ। जो पैरामैग्नीशियम होता है ना, ये ऑल्सो किस चीज़ से जाना जाता है कहिएगा सर। यहाँ पे जो प्रोटोजोआ दिया हुआ है ना, प्रोटोजोआ, ठीक है बिल्कुल। पैरामैग्नीशियम क्या होता है कहिएगा सर, ये हमारे प्रोटोजोआ होते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे, प्रोटोजोआ होते हैं। ओके नाइस, हाँ बिल्कुल सभी बच्चे का बी एकदम करेक्ट आंसर। अजय क्वेश्चन बताइए। फाइकोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ये आपका बुआ बायोलॉजी में भी दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एकदम जो नॉर्मल क्वेश्चन है यही आपके परीक्षा में बन जाते हैं, ठीक है। जैसे में मधुमक्खी के जो स्टडी को क्या कहा जाता है, सांप के स्टडी को क्या कहा जाता है ना। जो चिड़िया होती है बुआ बर्ड, उसके स्टडी को क्या कहा जाता है, ठीक है। जो यहाँ पे दिया हुआ है फाइकोलॉजी का अध्ययन होता है किसमें होता है कहिएगा सर। इसका एल्गी का होता है, फंगी का होता है, लाइकेंस का होता है, उसके बाद कहिएगा सर, ये हो जाएगा। तो जो भी बच्चे इसका आंसर बिल्कुल क्या दे रहे हैं, चलिए इसका आंसर दीजिए सारे बच्चे। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, इसका आंसर दो सब। अभी प्रोटोजोआ क्यों आंसर दे रहा है सब अभी। चलिए क्या हो जाएगा, सारे बच्चे अभी भी ए बी क्यों कर रहे हैं बताओ। ये भी करने से कोई काम नहीं चलेगा, समझ गए। फाइकोलॉजी का अध्ययन क्या का किसमें किया जाता है, एल्गी का, फंगी का, लाइकेन का, बताइए बताइए। फाइकोलॉजी का अध्ययन किसमें किया जाता है, फाइकोलॉजी बिल्कुल। क्या आंसर दे रहे हैं, जो भी बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं ना, क्या दे रहे हैं कहिएगा सर। सारे के सारे बच्चे जो आंसर इसका क्या दे रहे हैं कहिएगा सर। जो भी बच्चे इसका आंसर अगर बहुत प्रेम से कहिएगा सर, क्या दे रहे हैं, बिल्कुल एलगी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखिए अगर हम फाइकोलॉजी के बारे में बात करें ना, इसका स्टडी के, तो जो भी बच्चे इसका एलगी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं कहिएगा सर। जो भी बच्चे इसका एलगी दे रहे हैं ना, बिल्कुल, यानी जो शैवाल होता है ना, क्या होता है शैवाल। तो शैवाल के बुआ जो हमारा स्टडी होता है यानी जिसका अध्ययन होता है वो किसमें किया जाता है कहिएगा सर। इसका अध्ययन किया जाता है आपका फाइकोलॉजी में, ठीक है। किस में, फाइकोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। चलिए अब बताना है, वायरल इन्वॉल्व कंसिस्ट ऑफ, बताइए वायरल लिफाफा से मिलकर बनता है। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़िए बेटर रहेगा, ठीक है। देखिए बताना है वो वायरल जो हमारा इन्वॉल्व होता है कंसिस्ट ऑफ, यानी प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, ऑल ऑफ देज, बताइए इसका आंसर बताइए। चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल क्या आंसर दे रहे हैं बताइए। चलिए बिल्कुल, क्या आप लोग आंसर दिया सारे के सारे बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है वो। देखिए अगर हम बात करेंगे, द प्रोटीन कोट इज कवर्ड बाई एंड इन्वॉल्व मेड ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड जो कार्बोहाइड्रेट, तो आप लोग क्या आंसर दिए हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा कहिएगा सर, ऑल ऑफ, ठीक है बिल्कुल, दीज इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बिल्कुल। क्या हो जाएगा कहिएगा सर, इसमें से इसका सभी, यानी यहाँ पर देना चाहिए इसको कि क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी जो हमारे ये जो आपको वायरल जो आपका इन्वॉल्व है, ठीक है, मिलकर क्या क्या चीज़ से बनता है कहिएगा सर। जो हमारा प्रोटीन है उससे बनता है, आपका लिपिड है उससे बनता है, कार्बोहाइड्रेट है उससे बनता है, यानी यहाँ पे मिला के कहिएगा कहिएगा सर, ए भी हो जाएगा, प्लस बी भी हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा बिल्कुल। ऑल ऑफ, बिल्कुल ऑल ऑफ अबव इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बहुत अच्छी बात है। आइए बताना है, बताइए विटकर की क्या होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे वो नहीं दिया है,
डब्ल्यू एच विटकर, नाम तो सुने ही होंगे आप लोग, ठीक है ना? बिल्कुल। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हमारा डब्ल्यू एच विटकर की वर्गीकरण की परिभाषा में शामिल क्या है, बताइए क्या नहीं है। अच्छा, इज नॉट पूछा है ना, नॉट पूछा है, ठीक है, नहीं है पूछा है। तो कहिएगा सर शैवाल, प्रोटिस्टा, प्लांटी, ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, कहिएगा सर यहाँ पे हो जाएगा डी नंबर। नाइट्रोजन फ्रेगमेशन फ्रूट स्ट्रॉन्ग। अच्छा ये अलग क्वेश्चन है और ये अलग क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको इस पहले इसका आंसर दे दीजिए, ठीक है ना? बताइए ये अलग क्वेश्चन है और इसका अलग क्वेश्चन है, बिल्कुल। चलिए इसका आंसर दीजिए, सारे के सारे बच्चे इसका क्या हो जाएंगे बताइए। क्वेश्चन 1 नंबर का दीजिए, फिर 2 नंबर का आंसर हम आप लोग से पूछेंगे। चलिए चलिए आंसर दीजिए बुआ, सब कोई इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर दीजिए, ए नंबर का आंसर क्या दिया है? बिल्कुल, एक आता है बुआ नाइट्रोजन अस्थिकरण होगा, ठीक है ना? बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी बच्चे इसका करेक्ट आंसर दिए हैं एकदम आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना? बिल्कुल, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बिल्कुल बताना है जो हमारे यहाँ पे अब एक क्वेश्चन हो जाएगा डब्ल्यू एच विटिकर, ठीक है, कि जो हमारे वर्गीकरण है यानी क्लासिफिकेशन है उसको क्या करना है, परिभाषा में शामिल नहीं है। कहिएगा सर शैवाल, प्रोटिस्टा, प्लांटी और माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसका आंसर बताइए। बताइए कि जब इन्होंने डब्ल्यू एच विटिकर के जो क्लासिफिकेशन किए थे तो कौन से उसमें परिभाषा शामिल नहीं था, ठीक है। अब एक चीज़ और बता दीजिए, जब क्वेश्चन आइए गया डब्ल्यू एच से, तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है टू किंगडम क्या हो जाएगा, जो टू किंगडम है वो किसने दिया था, कहिएगा सर थ्री किंगडम, ठीक है, ये किसने दिया था, कहिएगा सर फोर किंगडम, ठीक है, ये किसने दिया था, कहिएगा सर फाइव किंगडम, ये किसने दिया था, उसके बाद कहिएगा सर सिक्स किंगडम, ये किसने दिया था, एक एक करके नाम बता दीजिए, ठीक है। तो आपको पता होगा सबसे पहले बहुआ वर्गीकरण किसने किया था, ठीक है, और अस्तु का तो नाम सुने ही होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टू किंगडम आप देखिएगा कौन सा हो जाएगा, कहिएगा सर कार्लिनियस, नाम तो सुने ही होंगे, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर में क्या आ जाएगा, कहिएगा सर यहाँ पे हेकल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हेकल जो थे साइंटिस्ट, 3 किंगडम दिए। 4 किंगडम कौन दिए थे बताइए, 4 किंगडम किसने दिया था, तो कहिएगा सर 4 किंगडम दिया था आपका, 4 किंगडम बताइए, हेकले दिए थे आपके 3 नंबर, 2 नंबर आपके कार्ल लिनियस दिए थे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 4 में आपका हो जाएगा, 5 में कौन हो जाएगा, तो 5 में आपको बताना है डब्ल्यू एच विटिकर दिए थे, बिल्कुल, और 6 में कौन दिया था, तो आप लोग 4 और 6 नंबर बता दीजिए कौन कौन दिए थे। इसलिए इसका आंसर होगा क्या हो जाएगा, विटिकर के बगैर में सर सहवाल जो है शामिल नहीं है, ठीक है, प्रोटिस्टा प्लांटी शामिल है बिल्कुल, और सहवाल इसमें शामिल नहीं है, ठीक है ना। जो हमारे डब्ल्यू एच विटिकर हैं तो उनके बुआ क्लासिफिकेशन में क्या शामिल नहीं है बताइए। चलिए आप लोग एक बार बुआ बिल्कुल आंसर देख लेते हैं, आप लोग क्या दे रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा, हाँ बहुत अच्छी बात है। देखिए तो हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना, एक आपका आता है बुआ हेकले आते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 किंगडम हो जाएगा कार्लिनियस, 3 किंगडम हो जाएगा हेकले, 4 में क्या हो जाएगा, कहिएगा सर यहाँ पे डब्ल्यू एच विटिकर दिए थे 5 किंगडम, और 6 में बुआ कार्ल बोस ने दिया था, बिल्कुल 1990 में, ठीक है, और 4 नंबर जो है 1 में बता देना बुआ केपलैन क्या हो जाएगा, जैसे केप, हाँ बिल्कुल, के से इनका नाम है, ठीक, इन्होंने क्या दिया था, कहिएगा सर 4 किंगडम दिए थे। तो किंगडम बिल्कुल याद रखिएगा 2 से लेके 6 तक कि कौन सा किंगडम कौन साइंटिस्ट दिए हैं, ओके, और इसका आंसर क्या दिए हैं, 5 किंगडम विटकर, चलिए हाँ आर एच यूट, बिल्कुल, चलिए 6 कार्लोस, बहुत बढ़िया शिवानी शर्मा, चलिए 5 किंगडम विटकर दिया था, चलिए 3 किंगडम कौन दिए थे आपका, हेकले दिए थे, चलिए ये तो वो हम बता दिए हैं, बिल्कुल सही है, कोपलैंड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ यही हो जाएगा, ठीक, ये थोड़ा सा, तो ये आपके सारे के सारे किंगडम जब भी आ जाए ना, आपके सवाल पढ़ते हुए में आ जाए या आपके बुआ कभी क्वेश्चन में आ जाए, तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना, एग्जाम के बाद फिर इसका कोई जरूरत तो है नहीं, एग्जाम के बाद कोई जरूरत नहीं, तो एग्जाम जब तक है उसको रिविजन करते रहिए, समझ गए ना, सबसे बेहतरीन चीज़ है। बताइए क्लासिफिकेशन इज नॉट बेस ऑन, बताना है
वर्गीकरण आधारित नहीं होती है। तो कहिएगा सर, जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है उस पे, या जो सेल स्ट्रक्चर्स है उस पे, या जो वहाँ पे हम ग्रॉस मॉर्फोलॉजी है उस पे, या आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है उस पे, बताइए। यानी क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को वर्गीकरण करना। अभी मैंने बताया बेस मिस होता है बुआ आधार, नॉट मिस नहीं, यानी वर्गीकरण बताना है कि किसके आधार पे नहीं है, ठीक है ना। थैलस संगठन, ठीक है, सेल। मैंने बुआ जब फर्स्ट क्लास कराया है बायोलॉजी का, जो बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन का आपका, ठीक है, फर्स्ट क्लास है ना, फर्स्ट वीडियो, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यही क्वेश्चन बुआ फर्स्ट था, देखिएगा ध्यान से। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर बताइए सारे बच्चे, इसका आंसर क्या हो जाएंगे? सबका अलग अलग बुआ आंसर आ रहे हैं, तो ऐसे कैसे होगा बताओ, ठीक है। मैंने बता रखा सारे बच्चों को कि क्लासिफिकेशन का आपका आधार नहीं है, थैलस संगठन, सेल संरचना, ठीक है, ग्रोस मॉर्फोलॉजी, और बिल्कुल, चलिए इसका क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे इसका आंसर क्या दे रहे हैं, कहिएगा सर इसका आंसर तो एकदम आपका सी ही होनी चाहिए, है ना, बताओ बताओ क्या हो जाएगा। देखो मैंने बताया था कि अगर आप किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल जो यहाँ पे ए दिया हो ना, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ए भी आपका होना चाहिए, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी होना चाहिए। तो सारे के आधार मान के, देखिए एक चीज़ को मान के, एक चीज़ को वो आप बेस मान के, ठीक है, क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का, ठीक है ना। अगर मान लीजिए किसी चीज़ का क्लास, जैसे मान लिया ह्यूमन हो गया, मानव हो गया, ठीक है, कोई जीव हो गया, कोई स्पेसीज हो गया, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसका आप देखिएगा आकार क्या है, उसका जो श्वसन के क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, समझ गए ना। तो बहुत सारे चीज़ की देखना पड़ता है, ठीक है ना, उसका वो इनर आउटर हर चीज़ को देख के तभी आप क्लासिफिकेशन कीजिएगा, उसका कलर देखिएगा, कलर देख के क्लासिफिकेशन कीजिएगा। तो कोई भी चीज़ का वर्गीकरण एक चीज़ पर आधारित नहीं होता है, एक चीज़ पर आप बेस मान के नहीं कर सकते हैं, इसलिए बउआ सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं है पूछा गया है, नॉट बेस, देखिए क्या है, नॉट बेस, तो ही आपका हो जाएगा, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी हो जाएगा। जो भी बच्चे इसका सी दिया आंसर, बिल्कुल इसको छोड़ के सारे, थैलस संगठन है ये भी आपका है, सेल स्ट्रक्चर ये भी है, और फाइलोजेनेटिक जो रिलेशनशिप है ये भी है, ये तीनों के तीनों बुआ क्लासिफिकेशन में आएंगे, लेकिन आपका सी नहीं है। क्या नहीं आएगा कहिएगा सर, सी बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना। बुआ हम पढ़ाए थे, जिन बच्चों को अगर पता होगा, वो बच्चे सारे के सारे बच्चे, उनको पता होना चाहिए कि हम पढ़ा चुके हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल यस सर, सी हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। आइए तो सारे के सारे बच्चे बुआ 6 बजे आया कीजिए, 6 बजे से आप लोग क्लास एकदम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, और सारे के सारे बढ़िया क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के लेवल के। देखिए बुआ, जो दुनिया है ना, उसको सही चीज़ खराब लगेगा और ख़राब चीज़ सही लगता है। जो बच्चे हमारे खास करके आपके एवीवी के जीवी के लिए हैं, जो भी बच्चे हैं, तो उनके क्वेश्चन हमेशा मैंने बताया है कि बुआ आप लोग के खास करके क्वेश्चन एकदम आसान पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग को लेवल पढ़ना चाहिए, आप लोग नीट टाइप के क्वेश्चन पढ़ के बताइए क्या कीजिएगा, है ना। तो यही चीज़ बुआ आप लोग को समझ में नहीं आता जब तक आप लोग ठोकर नहीं खाइएगा। आइए इसको बताइए, विच इज नॉट ए बैक्टीरिया डिजीज, यानी बताना है कौन सा जीवाणु रोग नहीं है, विच इज नॉट बैक्टीरियल डिजीज बताना है। कहिएगा सर यहाँ पे हैजा दिया हुआ है, प्लेग दिया हुआ है, बिल्कुल साइटस, बिल्कुल ये भी दिया हुआ है, उसके बाद आपका ये दिया हुआ है, बताइए इसमें से बताना है आपका। एक बुआ बिल्कुल कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि कौन सा आपका बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, एग्जाम में पूछ देगा, बहुत बढ़िया आपका टॉपिक है, पूछ देगा कि बताइए कौन सा आपका वायरस जो होता है ना, वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है, ये भी पूछ देगा। जो भी बच्चे हैं इसे क्वेश्चन, जितने भी वायरस हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी बुआ फंगी हो जाएगा, कवक हो जाएगा, तो इससे जितने भी होने वाले रोग है, 12 से 15 आपको एकदम 100% याद होना चाहिए। चाहे आप इसको बुआ गूगल करके भी आप लिख लीजिएगा कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बताना है आपका एक जीवाणु रोग नहीं है, बताइए ये आपका कौन हो जाएगा, हैजा हो जाएगा, प्लेग हो जाएगा, ये सारे के सारे दिए हुए हैं, बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छी बात है, सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, अच्छी बात है। आइए बिल्कुल क्या हो जाएगा आंसर बताओ, वायरल पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है कि बुआ, बैक्टीरिया पूछ रहा है ना, जीवाणु वाला रोग नहीं है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जीवाणु वाला रोग नहीं है, बताइए।
बिल्कुल। चलिए देखिए, अगर वो बात करें इसमें जो चार नंबर में दिया हुआ है ना, ठीक है, ये आपका एक वो आता है, ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका जो क्या बोलते हैं इसको, बता रहे हैं इसका नाम जो, बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सारे बच्चों को बताना है कि इसका आंसर हो क्या जाएगा, ठीक है ना, कौन सा आपका वेक्टोरियल नहीं होगा। बिल्कुल, इसका आंसर जो भी बच्चे दे रहे हैं ना, क्या दे रहे हैं, सारे बच्चे सी दे रहे हैं क्या। चलिए आइए देखिए, तो यहाँ पे जो भी बच्चे इसका आंसर दिए हैं, क्या दिए हैं बुआ, सर टेलीग्राम का चैनल बता दीजिए प्लीज, बता देंगे बुआ, बिल्कुल डी हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। सर जी एक बार कमेंट देखिए प्लीज। हाँ बुआ देख रहे हैं, विजय लक्ष्मी, बिल्कुल क्या हो जाएगा, मम्पस वायरल डिजीज है सर जी, इसलिए मम्पस सही है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है बुआ, यहाँ पे देखो नहीं है, नॉट पूछा जा रहा है, ध्यान से पढ़ो। ये पूछता ना कि विच इज बैक्टीरियल डिजीज, यानी इसमें से कौन सा जीवाणु रोग है, तो इसका आंसर दूसर हो जाएगा, और ये कहेगा नॉट डिजीज, बताइए, नॉट पूछ रहा है ना, बताइए इसका क्या होगा, बताओ, फास्ट आंसर दीजिए, फास्ट, जितने फास्ट आंसर दीजिएगा उतने हम फास्ट चलेंगे। चलिए ठीक है, तो अभी भी बच्चे इसका नॉट लगा हुआ है, तब क्या आंसर हो जाएगा, बताइए इसमें क्या लगा हुआ है, कहिएगा सर इसमें नॉट लगा हुआ है, नॉट, ठीक है, तो नॉट लगा हुआ था, इसका वो आंसर भी बदल जाएगा, ठीक है ना। जब इसमें नॉट लग गया ना, तो इसका आंसर भी बिल्कुल बदल जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अजोला, देखिए तो मिट्टी का उर्वरक बढ़ाता है, तो बताना है किसमें बढ़ाता है, कहिएगा सर जो हमारे मिट्टी होते हैं, ठीक है, इसमें अगर उर्वरक बढ़ाने वाला काम करता है तो कौन सा करता है, कहिएगा सर ये में चार फसल दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा बुआ, ठीक है, अजूला जो हमारे जो सॉइल को बुआ क्या करते हैं, कहिएगा सर उर्वरता बढ़ा देते हैं, तो कहिएगा सर एक तो आपका जौ आता है, एक मक्का आता है, एक चावल आता है, एक गेहूँ होता है, तो बताना है, बिल्कुल बायो फर्टिलाइजर से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझ गए ना, तो चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। जैव विविधता से भी आपका बायोडाइवर्सिटी जो है आपका, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोडाइवर्सिटी से, ठीक है, इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पूछे ही जाते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या बताइएगा आप लोग, सारे बच्चे बताइए, तो क्या आंसर दिए हैं सारे बच्चे, तो सारे के बच्चे जो भी इसका आंसर बुआ दिए हैं आप लोग, जो हमारा ये क्या चीज़ में बुआ हमारे आपका बढ़ा देता है, तो कहिएगा सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल आ चुके हैं, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। हाँ देखिए ये क्या करता है ना, जो हमारे गेहूं होता है ना, उसके मिट्टी होती है, उसका क्या करता है बुआ, आपका यहाँ पे उर्वरकता को बढ़ा देता है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगी, बिल्कुल डी हो जाएगी, ठीक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जैसे चावल हो गया, जो धान हो गया, उसमें होने वाली जो है बीमारी के बारे में पूछ लेगा एग्जाम में, होने वाली बीमारी, ठीक है, जो हमारे फसल होते हैं ना, जैसे मैं पूछ ले जाता, कभी पूछ लेगा आलू जो होता है ना, आलू में होने वाली बीमारी के बताइए, कोई आपका डिजीज का नाम दे देगा और आपको पूछा जाएगा, ठीक है ना। चावल से होने वाली जो भी बुआ, जो आपके धान होते हैं उसमें, मक्का हो गया, जौ हो गया, तो फेमस आपका गेहूं हो जाएगा, एक धान हो जाएगा, एक जौ हो जाएगा, ठीक है, और ये जो सब्जी में बुआ आलू हो जाएगा, तो इसमें होने वाले जो बीमारी डिजीज है पूछ लिया जाता है किसके कारण होता है, किस चीज़ के, वहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए, ठीक है, कि किसके कारण हो जाते हैं। ओके, किसी बच्चों को दिक्कत, ये चीज़ भी आप भी ध्यान रखिएगा, जो जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ हम बता देते हैं, आप उसको जरूर कहीं ना कहीं से नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए बताना है बुआ, यहाँ पे जो कवक कोशिका भित्ति होती है, बताइए किसका होती है, ये सबको पता है किसका होती है, कोशिका, कवक का कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो कहिएगा सर आप ही आंसर दीजिए, उसके बाद हम दे देंगे। चलिए आप ही लोग आंसर दीजिए, अभी हम पढ़ा चुके हैं कि कवक का कोशिका भित्ति किससे होती है, बताइए तो सारे के सारे बच्चे, कवक का कोशिका भित्ति होती है क्या चीज़ का, चलिए चलो हुमा कोई बात नहीं है,
चलिए क्या बता रही है, राइस होता है, किस चीज का राइस होगा बुआ? इसका बता रही है क्या, बबीता यादव? बताओ बुआ, काइटिन। बिल्कुल, चलिए क्या बता रहे हैं, चलिए इसको आप रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है ना? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है बुआ। देखिए क्वेश्चन जो कुछ होते हैं ना, लेकिन इसका डी ही आपको हम आंसर आपका डी ही बताएंगे, लेकिन आप इसको चेक कर लीजिएगा, कहीं चावल भी हो सकता है, लेकिन डी ही हम बताएंगे, जो गेहूँ है ना एकदम करेक्ट हो, ठीक है? देख लीजिएगा। देखिए कभी कभी होता है ना बुआ, कभी कभी इधर उधर टाइपिंग हो जाती है, लेकिन याद रखिएगा इसका जो डी ही है, लेकिन बाकी देख लीजिएगा, दो चार वो साइड से देख लीजिएगा, बाकी इसको आप सर्च कर लीजिएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका क्या होता है तो कहिएगा सर, जो हमारे कवक होती है उसकी बुआ कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ठीक है ना? किसकी बनी होती है? काइटिन के। और बताइए एक और होता है बुआ, सेलुलोज, बताइए इसका संबंध किससे है? बताइए ये किसका कोशिका भित्ति है, सेलुलोज वाला बताइए सारे के सारे बच्चे, सेलुलोज। बिल्कुल ए होगा सर। चलिए अब बताइए सेलुलोज, हाँ चलिए, ये जो आपका काइटिन का तय आपका कवक हो गया, ठीक है ना? जो हमारे कवक है उसका बुआ रिलेशन किससे है? काइटिन से है। लेकिन बुआ सेलुलोज के बताइए ये किसका कोशिका भित्ति है, इसका कमेंट कर दीजिए, ताकि बाकी और बच्चे हैं उनको पता लग जाए। बताइए बिल्कुल इसका आंसर बताइए, बताओ सारे बच्चे। राइस होगा सर, चलो अच्छी बात है, राइस होगा तो बिल्कुल राइस ही आंसर लगा लेना। चलिए प्लांट 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 प्लांट, ठीक है? तो इसका भी हो जाएगा बुआ सेलुलोज भी है ना, इसका भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे कवक का कोशिका भित्ति बनी होती है तो काइटिन से बनी होती है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, काइटिन से बिल्कुल, और सेलुलोज का भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, हाँ चलिए सी इज द करेक्ट आंसर, बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चे का आंसर आ गया। यहाँ पर देखिए प्रोक्रियोटिक, यहाँ पे बताना है आपको, प्रोक्रियोटिक में जो हमारा क्या होता है कहिएगा सर, जेनेटिक जो होता है ना, बिल्कुल जो आपको क्या कर सकेंगे कहिएगा सर, जो जेनेटिक होता है पुन संयोजक किस दौरान हो सकता है आपको बताना है, ठीक है ना? रिकम्बिनेशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन कैन हैपन इन प्रोक्रियोटिक्स ड्यूरिंग, क्वेश्चन बताइए, ठीक है? तो कहिएगा सर ये हमारे किस में होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में होता है, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा परागण एक दिया हुआ है, कंजुगेशन दिया हुआ है, ऑल ऑफ दिस दिया हुआ है, इसका आंसर बताइए। एल्गी भी होगा, नीतू कुमारी, राइस नहीं होगा व्हाइट ही होगा, इजाज अंसारी। वहीं तो बुआ बबीता यादव बच्ची कमेंट की थी एक बच्ची, ठीक है ना? बिल्कुल एल्गी प्लांट में ही आते हैं। चलिए इसका बताइए, इसका आंसर बता दीजिए, प्रोकैरियोटिक, जो जेनेटिक बुआ रिकम्बिनेशन कैन हैपन इन प्रोकैरियोटिक्स ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद कंजुगेशन, ऑल ऑफ दिस एंड आपका बी हो जाएगा। बताइए इसका आंसर कौन दे रहा है बुआ, इसका आंसर दो फटाफट, इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर दीजिए सभी बच्चे, इसका आंसर क्या आप लोग दे रहे हैं? चलिए बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो देखिएगा जो बुआ जेनेटिक रिकम्बिनेशन कैन हैपन इन प्रोक्रियोटिक ड्यूरिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, एंड कंजुगेशन एंड ऑल ऑफ दीज, यानी डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? क्या आप लोग दिए हैं कहिएगा सर, इसका बुआ इसमें तीनों आ जाएगा, क्या आ जाएगा कहिएगा सर, इसमें तीनों बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है ना? चलो इसमें क्या हो जाएगा कहिएगा सर, इसमें तीनों के तीनों आ जाएंगे, ठीक है? बिल्कुल ऑल ऑफ दीज, हाँ हाँ ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे, ठीक है? चलिए बताना है कि जो हमारा डाइटम है वो जल्दी नष्ट नहीं होता है, बताइए कहिएगा सर, जो डाइटम है वे नष्ट नहीं होता है, ठीक है? कहिएगा सर वे क्या होते हैं? चलिए इसका ए में दिया हुआ है, आप ऑप्शन देख सकते हैं, इसका बी में भी दिया हुआ है जो इसका दीवार से संबंधित है, ठीक है? उसके बाद सी में लवण से संबंधित है, और चार में इसका बुआ जो क्या होता है कहिएगा सर, जो हमारे बॉडी से दिया हुआ, वाटर बॉडी करके, ठीक है ना? जो शरीर जल के प्रति, हाँ बिल्कुल, तो इसका आंसर बताइए, डाइटम जो है जल्दी नष्ट नहीं होगा। आखिर मान लीजिए अगर डाइटम है तो किसके कारण जो है बुआ वो नष्ट नहीं होता है, डाइटम किसके
किसके कारण जो डायटम है जल्दी नष्ट नहीं होता है, इसका आंसर दे दीजिए सारे बच्चे। चलिए, डायटम किसके द्वारा बुआ नष्ट नहीं होता है, किसके चलते जल्दी, मैंने उतना जितना जल्दी चाहिए उतना जल्दी बुआ नष्ट नहीं होगा, ठीक है ना? बिल्कुल, क्या आंसर दिए हैं? चलिए, इसका जो भी बच्चे याद रखे हैं इसका सी ही हो जाएगा। इसके दो मोटी क्या होता है, ओवरलैपिंग कोशिकाएं होती है, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। इसका क्या होती है तो कहिएगा से, इसका दो क्या होती है, दो आपकी बुआ, ठीक है, इसके मोटी कोशिकाएं क्या हो जाएगी आपका, बताइए। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, सारे के सारे बच्चे बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर दिए हैं। चलिए, तो बता देना, इसका अभी भी बच्चे कुछ आंसर गलत दे रहे हैं तो बता दीजिएगा। डायटम जो है जल्दी नष्ट नहीं होता, इसका कारण क्या है बताइए। बिल्कुल, बी बी, हाँ ठीक है। चलिए, इसका क्या हो जाएगा बुआ, बी आंसर होगा। जो भी बच्चे इसका बी दिए हैं ना, एकदम हो जाएगा बी, हो जाएगा करेक्ट, क्या हो जाएगा, बी आपके करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा है। इसमें बताना है विच ऑन इज सेक्सुअल स्पोर, लैंगिक बीजाणु कौन सा है, इसमें बताना है बुआ लैंगिक बीजाणु कौन सा है, इसको बताइए फास्ट। चलिए फास्ट आंसर दीजिए, जो क्वेश्चन है इसको करा दें। बताना है आपको विच ऑन इज सेक्सुअल स्पोर, चलिए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात है, इसका जो भी बच्चे आंसर दिए हैं एकदम करेक्ट आंसर दिए हैं। और याद रखिएगा सारे के सारे बच्चे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना, कि विच ऑन इज सेक्सुअल स्पोर, इसका हो जाएगा आपका, कहिएगा सर इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा। चलिए इसका आंसर दीजिए क्या हो जाएगा, जू स्पोर, ये हो जाएगा ये, ठीक है ना आपका। चलिए ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को लास्ट तक मेरे साथ बने रहने के लिए। चलिए, जो बच्चे हैं बता दें बुआ, आप लोग का जो बायोलॉजी का क्लास है जो हमारे यूट्यूब पर प्रतिदिन 6 बजे एकदम स्टार्ट हो जाती है, 1 घंटा चलती है, और जो आपका फिजिक्स है, फिजिक्स का 8:15 से स्टार्ट हो जाती है, 9:15 तक चलती है, ठीक है। जो भी बच्चे हैं जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल आके आप यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।